दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एकदम प्यारा कॉलेज बिहार का, जो कि मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज कह सकते हो आप, जिसका नाम है माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज MGM किशनगंज। बिहार का सेकेंड डिमांडिंग कॉलेज, कटिहार के बाद माता गुजरी का बड़ा डिमांड आता है। यह माइनॉरिटी कॉलेज है, सिख माइनॉरिटी लगभग में। इस कॉलेज का जो बात करेंगे वो करेंगे ओवरव्यू, पूरा डिटेल में देखेंगे, MBBS कटअप देखेंगे, 2023-2024 के राउंड वन का देखेंगे, और आपको फीस बताऊंगा कि कितना फीस पे करना पड़ेगा, फैसिलिटीज, कनेक्टिविटी, और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो MGM किशनगंज माता गुजरी मेडिकल कॉलेज आपके लिए कैसा रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, A to Z बात कर लेंगे MGM किशनगंज के बारे में। सबसे पहला MGMKishanganj.in ये ऑफिशियल वेबसाइट दोस्त, माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड लायंस सेवा केंद्र हॉस्पिटल। आपको अगर देखा जाए तो इस कॉलेज का पेशेंट फ्लो बहुत तगड़ा है। सबसे पहला जी, क्लिनिकल एक्सपोजर कैंडिडेट को बढ़िया मिलेगा, और जो किशनगंज दोस्त अगर बात कर ले तो ये जो आपको दिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, आप भीड़ देख सकते हो, ये जो हॉस्पिटल का भीड़ है ये आपके सामने दिख रहा है। ओवरऑल कैंडिडेट को क्या चाहिए, यही चाहिए जो कि एक अच्छा पेशेंट फ्लो बहुत ज़रूरी है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो आपके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दिख रहा होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्त, जिसमें आपको अगर कैंपस का व्यू मैंने बता दिया, अगर हम लोग एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1990, ये बिहार का एक अच्छा खासा पुराना प्राइवेट कॉलेज दोस्त, जो कि माता गुजरी खुद का यूनिवर्सिटी से अपलेटेड है, और MBBS के साथ MD MS भी एडमिशन होते हैं। अगर आपको MBBS MD MS किसी में भी एडमिशन के लिए क्वेरी है तो आप हमारे एक्सपर्ट से एक बार जरूर बात करें, और अच्छे क्वालिटी ऑफ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। NMC से तो अप्रूव्ड है ही, इस कॉलेज पूरा के पूरा रिकॉग्नाइज्ड है। अगर बात करें तो किशनगंज बस स्टैंड से 4.5 किलोमीटर के दूरी पर यह कैंपस मिल जाएगा। किशनगंज रेलवे स्टेशन है, जो कि आपको पटना या किसी से भी कनेक्टिविटी मिल जाएगा। आप एयरपोर्ट के लिए किशनगंज बिहार का जो कि कम रहता है, बट आप पटना से जा सकते हो, लगभग में 5 से 6 घंटे आपको पटना से लग जाएगा किशनगंज पहुंचने में दोस्त, पूरा वीडियो देखेंगे। अगर एडमिशन प्रोसीजर की बात करेंगे तो आपको BCECE बिहार का जो MBBS काउंसलिंग अथॉरिटी बॉडी है उसका 85% बिहार काउंसलिंग करना पड़ेगा, और अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तब पर भी आपका एडमिशन होगा प्राइवेट में, और अदर स्टेट से है तब पर भी बिहार के प्राइवेट कॉलेज मतलब माता गुजरी में एडमिशन आप ले सकते हैं। दोस्तों स्कोर क्या होगा हम आगे बात करेंगे। अगर बात करें 85% काउंसलिंग का, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 1200 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज के लिए, उसके बाद 2 लाख रुपया का सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करके पूरा डिटेल फिल करके सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद दोस्त च्वाइस फिलिंग आएगा। काम क्या आएगा, च्वाइस फिलिंग कंप्लीट करेंगे, आपको किशनगंज एंट्री करना है, उसके बाद आपको अलॉटमेंट मिलेगा, उसके बाद आपको रिपोर्ट कर जाना है दोस्त, उसके बाद राउंड टू में, राउंड मॉपअप राउंड में और स्टे वैकेंसी राउंड में भी आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। अगर बात करें बिहार का, तो बिहार का राउंड टू में च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये पूरा डिटेल बिहार के काउंसलिंग का आपको मैंने शॉर्ट में बताया। अब देख लेते हैं MBBS सीट्स दोस्त, 150 MBBS माता गुजरी का हो गया। पहले जो सीट थे वो 100 थे, ये बहुत अच्छी बात है, जरूरी भी था क्योंकि जितना पेशेंट फ्लो है अब जरूरत बन गया है बड़ा करने का। अगर हम जनरल वाले लोगों का बात करें तो 82 सीट्स मिल गया उनको, और सिख माइनॉरिटी क्योंकि माइनॉरिटी कॉलेज है तो 45 सीट्स इनके पास आ चुका है, और NRI में 23 सीट्स। NRI मतलब अगर आपके नीट में कम स्कोर है या NRI से बिलोंग करते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। फीस जो है जो नॉर्मल वाले बच्चे हो 9,63,000 पर ईयर। हॉस्टल चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस सब अलग से है, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आते हैं माइनॉरिटी वाले जो सिख के बच्चे होंगे उनको भी सेम फीस पे करना पड़ेगा। NRI वाले बच्चों को $25,000 लगभग में 20-21 लाख पर ईयर का फीस होता है, ये आपको पे करना पड़ेगा तब एडमिशन मिल जाएगा दोस्त। अब हम आगे बात कर लेंगे हॉस्टल फीस, जो कि 2 लाख रुपया आपको पर ईयर हॉस्टल फीस देना पड़ेगा, और मेस चार्ज 1 लाख रुपया मतलब 3 लाख रुपया में रहना खाना हो जाएगा दोस्त।
अब आते हैं स्टूडेंट एमिनिटीज, जो कि 2 लाख रुपया पर ईयर आपको अदर से पे करना पड़ता है, जिसमें आ जाता है स्पोर्ट्स, जिम, वाईफाई, एजुकेशनल टूर, लॉग बुक्स, ये सभी कॉस्ट बियर करना पड़ता है। आपको 1 लाख रुपये का सिक्योरिटी भी पेमेंट करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्त कि यहाँ पे बैंक गारंटी आपको देना पड़ेगा, बीजी। बैंक गारंटी क्या होता है कि जितना आपने फीस जमा किया उसके अलावा आपको जितना बचता है 3.5 साल का फीस का, उसका आपको बैंक में जाके जमा करना पड़ेगा पैसा, और उसको लेटर देना पड़ेगा कॉलेज को, तो बैंक गारंटी भी लग जाएगा। आपको हेल्प चाहिए आपको एडमिशन में, तो आप हमारे एक्सपर्ट से एक बार जरूर बात कर लो दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके सामने ये दिख रहा होगा, इसको रेडी कर लेना। एक एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, नीट यूजी 2024 एडमिट कार्ड, ये सब होना चाहिए आपके पास ओरिजिनल, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना है दोस्तों। अब हम बात करेंगे हॉस्पिटल का। 610 बेडेड हॉस्पिटल है, और दोस्त पेशेंट फ्लो देखोगे तो बेहोश हो जाओगे, डबल 1200 डेली का पेशेंट फ्लो है, क्योंकि ये एरिया जो है ये बहुत ज्यादा थोड़ा उतना डेवलप नहीं है, इसके रीजन से किशनगंज में इसका बड़ा डिमांड आता है, आप देख सकते हो। अब 25 एकड़ का इसका कैंपस है। अगर हम बात कर लेंगे फैसिलिटीज का, तो हॉस्टल, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स, लेक्चर थिएटर, ये सभी क्योंकि वेल एस्टेब्लिश्ड कॉलेज होने के कारण ये सभी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कैंपस के अंदर पूरा मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मत सोच लेना कि बहुत इंटीरियर में हमारा कॉलेज, ऐसा नहीं है, एक क्वालिटी का कॉलेज है, तो आप अदर स्टेट से भी है तो आराम से रह सकते हैं। अगर हम डिपार्टमेंट की बात कर ले दोस्त, तो फुल्ली फंक्शनल, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट फंक्शनल अच्छे से काम नहीं कर रहा है। हर डिपार्टमेंट को, जैसे मान लेते हो जनरल मेडिसिन को 120 बेड दिया गया, समझ रहे हो, 120 बेड, पेडेस्ट्रिक को 60 बेड दिया गया, टीएमबी को 10 बेड दिया गया, ये टोटल 610 बेडेड हॉस्पिटल है, जो कि अलग अलग ENT को 30 बेडेड दिया गया, समझ रहे हो, ये पूरा डिफाइन किया गया है, और इमरजेंसी कैजुअलिटी एनआईसी बर्न सारा फैसिलिटी तो मिलेगा ही मिलेगा। यहीं पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कटअप के बारे में बात कर लेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले देखेंगे 2023 में क्या कटअप रहा राउंड 1 का। तो दोस्त जनरल वाले जो बच्चे हैं उनका कटअप रहा राउंड में 449, जो कि रैंक थे 165,129। अगर आप 6 से बिलोंग करते हैं तो 192, जो कि रहा 747,510। यहीं पे दोस्त अगर हम आएंगे राउंड 1 में 2024 का, जो कि अलॉटमेंट आ चुका है 516 नंबर, मतलब ये 500 से पार है, 516 के रेंज में, जो कि रैंक रहा 182,714, और जो माइनॉरिटी वाले बच्चे रहे उनको 240, जो कि है 857,000। आप देख रहे हैं कि स्कोर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं एक बात कहूँगा कि एटलीस्ट अगर आपका 500 स्कोर प्लस है, 500 प्लस है, तो आप सेफ है माता गुजरी में एडमिशन के लिए, सेफ है 2024 में दोस्तों। आप अगर ओवरऑल बात कर लेंगे कि कॉलेज कैसा रहेगा आपके एडमिशन के लिए, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट यही है दोस्त कि कॉलेज का क्वालिटी बढ़िया है, पेशेंट फ्लो बढ़िया है, और इसमें PG की सीट्स भी है। तो ये पहला पेशेंट फ्लो के रीजन से आप क्वालिटी कह सकते हो। अगर थोड़ा मोरा नेगेटिविटी की बात कर सकते हो तो यही है कि ये थोड़ा किशनगंज जो हो गया लोकेशन, ये बिहार के आउटर एरिया में कह सकते हो, जहां पे पूल और जो मॉल में घूमते हो वो नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर का क्वालिटी बढ़िया रहेगा, फीस भी रिजनेबल है, बहुत ज्यादा नहीं है बजट। देखो फीस थोड़ा, ट्यूशन फीस कम दिखता है, लेकिन हॉस्टल चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, ये सब और भी चार्जेस है, तो ये थोड़ा नेगेटिविटी कह सकते हो अपने मर्जी। पैसा सबके लिए नेगेटिव नहीं होता है, किसी लिए पैसा होता है तो वो दे के एडमिशन ले लेते हैं। तो मैंने पूरा माता गुजरी का फुल डिटेल बताया। ओवरऑल मेरे सजेशन अगर बोलोगे तो गारंटेड माता गुजरी में एडमिशन ले लो, अगर मिल रहा है, चाहे जैसे भी मिल रहा है ले लो एडमिशन। थैंक यू दोस्तों।